नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं किताब शिप्रा। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार के 4 साल होने की खुशी में देश भर में जश्न का दौर भी शुरू हो गया है। युवा लोजपा ने कारगिल चौक पर जमकर जश्न मनाया। पटाखे जलाकर और अबीर गुलाल लगाकर केंद्र सरकार के पक्ष में जमकर नारे लगाए। वहीं युवा नेता कृष्ण कुमार ने बताया कि जितने काम नरेंद्र मोदी ने 4 साल में किए हैं उतने तो कांग्रेस ने 40 साल में भी नहीं किया। पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनजीवन परेशान है। इसके विरोध करने के तरीके भी बदल गए हैं। आज युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मोटरसाइकिलों को गधों से खिंचवा कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं युवा राजद नेता अरुण कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को जहां सफल बता रही है और जश्न मना रही है, वैसे में प्रधानमंत्री ये देखे कि महंगाई और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र के बसतपुर घाट पर शुक्रवार देर रात लेवी नहीं देने पर गुस्साए नक्सलियों ने बालू लोड कर रहे 2 ट्रक को जला दिया। इसके साथ ही उन्होंने 4 अन्य ट्रकों को भी जलाने की कोशिश की। खबर है कि नक्सलियों के इस दस्ते में कई महिलाएं भी शामिल थीं। आपको बता दें कि नक्सल ग्रस्त इलाका होने की वजह से पुलिस घटनास्थल पर रात में नहीं पहुंच सकी। झारखंड में आजकल नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, वहां से नक्सली भागकर बिहार आ रहे हैं। सिटी पोस्ट ने एक दिन पहले ही झारखंड से सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों के बिहार के जमुई पहुंचने की खबर को ब्रेक किया था। पटना पुलिस और झारखंड पुलिस ने एसटीएफ की मदद से राजधानी पटना से एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पटना झारखंड की पुलिस ने पटना के कंकड़बाग मोहल्ले के भोजपुर कॉलोनी के एक घर से नक्सली नेता को गिरफ्तार किया। पकड़े गए नक्सली का नाम सुबोध सिंह है। सुबोध का नक्सली संगठन में हाल ही में संदिग्ध अवस्था में मरे टॉप नक्सली नेता अरविंद कुमार के बाद दूसरा स्थान था। बक्सर के मुरार थाना अध्यक्ष राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से एसपी ने निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध एसपी की यह कार्रवाई कार्य में लापरवाही को लेकर हुई है। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ एसपी राकेश कुमार को शिकायत मिली थी कि वो काम को लेकर न केवल लापरवाह हैं, बल्कि मामलों की जानकारी सीनियर अधिकारियों को भी नहीं देते थे। कटिहार का प्रशासनिक अमला एक बार फिर शर्मसार हुआ है। इस बार जिले के अपर समाहर्ता जफर रकीब पर संगीन आरोप लगा है। खबर है कि जफर के लिपिक संजीव कुमार ने अपर समाहर्ता पर अप्राकृतिक यौनाचार का गंभीर आरोप लगाया है। लिपिक की माने तो साहब पिछले कुछ दिनों से इनका शोषण कर रहे थे। इस मामले को लेकर कटिहार जिला पदाधिकारी पूनम कुमारी ने पीड़ित लिपिक संजीव कुमार के लिखित आवेदन पर नगर थाना में अप्राकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज किया गया है और पीड़ित लिपिक को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया। कटिहार में सड़क पर खड़े पत्थर से लदे ट्रक को हाइवा ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कटिहार मनिहारी सड़क को जाम कर दिया। खबर है कि पत्थर से लदा ट्रक पहले से ही सड़क किनारे था, जब तेज रफ्तार में आ रही हाइवा ने ट्रक में ठोकर मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। समस्तीपुर के बथुआ में एक टैंकर ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया, जिससे मौके पर दोनों की मौत हो गई। पति पत्नी समस्तीपुर अस्पताल से इलाज करवाकर घर जा रहे थे। इनकी पहचान अमरीश महतो 40 वर्ष, सुलेखा देवी 33 वर्ष के रूप में हुई है। ये दंपति जोड़ा ग्राम बहादुरपुर थाना घाटो जिला समस्तीपुर के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आ गए हैं। सभी रीजन के परिणाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक साथ घोषित किया है। रिजल्ट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। इस बार सीबीएसई के 12वीं के नतीजे गूगल के सर्च पेज पर भी उपलब्ध है। इस साल सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 83.01% रहा है। पटना के गर्दनीबाग में प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त मोर्चा अपने 11 सूत्री मांगों के लिए लगातार 3 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। खबर है कि प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष महेश प्रसाद सिन्हा की हालत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए सिटीपोस्टलाइव.com। बस एक क्लिक में सभी खबर।